इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि ओ भाई ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तीन लड़कों पर ना चलने वाले रावण से सीखी जा सकती है अच्छाइयां, तो जानिए नंबर फर्स्ट। पहली बात जो रावण ने अपने जीवन के आखिरी क्षण में लक्ष्मण जी को बताई थी, किसी भी शुभ काम को करने से ज्यादा देरी मत लगाओ। नंबर टू, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने कहा है कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, वह समय का फायदा कब उठा ले इसका कोई भी नहीं बता सकता। नंबर थ्री, रावण कहता है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि वानर और मनुष्य के अलावा और कोई मुझे ना मार सके। ब्रह्मा ने समझा कि देवता भी मुझसे डरते हैं, तो मनुष्य और वानर तो तुच्छ प्राणी हैं, ये तो मेरे लिए भोजन के समान है। ये मेरा वहम था, मैं छोटा समझता था, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नंबर फोर, रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, ताकत से दुनिया की हर चीज को प्राप्त किया जा सकता है। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसे शिव जी ने तोड़ दिया था। नंबर फाइव, रावण कहता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और पूरी धरती पर राज करने की सोचने लगा, साथ ही उसने स्वर्ग में सीढ़ियां लगाने की भी सोच रखी थी। रावण की कौन सी बात से ज्यादा आप प्रेरित हुए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। माना रावण ने लाख बुराइयां थी, लेकिन रावण ने लाख अच्छाइयां भी थी, वह एक ज्ञान का भंडार था।